हेलो एवरीवन, माय नेम इज साजिद शेख और आज हम सीएनसी एनवीएमसी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। यहाँ पे मतलब क्या क्या सीएनसी एनवीएमसी के अंदर मशीनिंग हम करने वाले हैं या प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो हम यहाँ पे डेमो लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि कंटेंट में इंट्रोडक्शन टू सीएनसी और वीएमसी, ये दो अलग अलग मशीन है, उनके बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि सीएनसी क्या है और वीएमसी क्या है। उसके अंदर बाद में स्पेशल फीचर्स ऑफ सीएनसी और वीएमसी है। ये जैसे आप जानते हैं कि सीएनसी और वीएमसी इज नथिंग बट लेथ मशीन और मिलिंग मशीन, मतलब जो पुराने मशीन थे लेथ मशीन और उसका अपग्रेडेड वर्जन मतलब सीएनसी वीएमसी। तो वैसे ही कुछ पार्ट्स वहाँ पे चेंज हुए हैं सीएनसी और वीएमसी में, वो हम स्पेशल फीचर्स में कवर करेंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरा जो आपका मशीन है वो पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्कआउट करता है। तो वो क्या होता है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह रहते हैं, चैम्पर एंगल कैलकुलेशंस, रेडियस टर्निंग कैलकुलेशन, अंडरकट्स का कैलकुलेशन, ये सब यहाँ पे हम सीएनसी और वीएमसी दोनों मशीन का बताएंगे। उसके बाद जैसे कि इंडस्ट्री में होता है कि हम सीएनसी में अगर फील्ड में जाते हैं तो जो स्टेजेस रहते हैं वो इस तरह रहते हैं कि पहले हम लोग वहाँ पे एज अ ऑपरेटर बोल के जाएंगे, फिर उसके बाद सेटिंग करेंगे उस मशीन का, फिर प्रोग्रामिंग। तो हमने हमारा सिलेबस कुछ उसी तरह रखा है। स्टार्टिंग में हम ऑपरेटिंग ऑफ सीएनसी लगाएंगे। ऑपरेटिंग में अलग अलग कंट्रोल्स रहते हैं जैसे कि फैन लूप कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल, इस तरह। फिर सेटिंग आएगा, ऑफसेट सेटिंग ऑफ सीएनसी, उसके अंदर क्या होगा, तो अलग अलग सेटिंग्स रहते हैं जैसे वर्क ऑफसेट रहता है, ठीक है, मतलब टूल का और जॉब का कॉन्टैक्ट करना है, इसे हम सेटिंग कहते हैं। तो उसका हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरह करना है। फिर टूलिंग रहता है अलग अलग, मतलब जो टूल्स रहते हैं सीएनसी और बीएमसी के अंदर वो किस तरह के टूल्स होते हैं, इनसे किस तरह के रहते हैं, अडेप्टर्स क्या रहते हैं, वो यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जी और एम कोड, मतलब जो सीएनसी और बीएमसी मशीन है ये पूरा प्रोग्रामिंग थ्रू ऑपरेट होता है, उसके क्या जी कोड्स है क्या एम कोड है वो हम वहाँ पे बताएंगे। और फिर उसके बाद फाइनल स्टेप रहता है प्रोग्रामिंग का, तो सीएनसी का भी प्रोग्रामिंग और वीएमसी का प्रोग्रामिंग। तो उसके अंदर मैनुअल प्रोग्रामिंग भी बताएंगे और साइकिल्स भी बताएंगे। तो इस तरह हमारा पूरा सिलेबस डिफाइन होता है कि 2 महीने का ये जो कोर्स रहेगा तो उसके अंदर हम इतने पूरी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो ये है सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन, तो हम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या हम सिखाने वाले हैं उसके अंदर। तो फिर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सीएनसी। अभी सीएनसी और वीएमसी मशीन बताने के पहले हम लोग लेथ और मिलिंग मशीन ये दो चीज़ें बताते हैं। ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों कन्वेंशनल मशीन है। तो कन्वेंशनल मतलब क्या है कि पुरानी मशीन से, तो जो मैनुअली ऑपरेटेड होते थे। तो यहाँ पे हम मैनुअली सब चीज़ें यहाँ पे बताते हैं कि स्पिंडल क्या रहता है। जैसे यहाँ देख रहे हो ये स्पिंडल है, ये लेथ मशीन है यहाँ पे, तो ये स्पिंडल है, ये आपका टूल पोस्ट है, ये टेल स्टॉक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैनुअली ऑपरेट करना होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बताएंगे सो दैट आपको सीएनसी और वीएमसी मशीन सीखने में आसानी हो जाएगी। उसी तरह मिलिंग मशीन भी है, तो मिलिंग मशीन का क्या बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग रहेगा, यहाँ पे टूल घूम रहा है, यहाँ पे जॉब रखा होता है टेबल पे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लेथ और मिलिंग का बताते हैं, मतलब ऑपरेशन कौन कौन से होना है ये सब यहाँ पे मैनुअली बताया जाता है। और उसके बाद हम लोग एक्चुअल सीएनसी और वीएमसी मशीन पे आते हैं। तो यहाँ से हमारा सिलेबस सीएनसी और वीएमसी मशीन स्टार्ट होगा। तो अभी सीएनसी का जैसे लॉन्ग फॉर्म मैंने बताया अभी, कोई कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, वीएमसी का वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। तो यहाँ पे आपको दोनों मशीन शो कर रहे हैं। तो ये मशीन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिया होता है, एक्सिस रहते हैं अलग अलग मशीन को। एक्सिस मतलब एक्सिस भी आपको बहुत जरूरी है जानना कि कौन सी मशीन को कितना एक्सिस रहते हैं, क्योंकि विदाउट एक्सिस के अगर पता ही नहीं आपको एक्सिस कितना है मशीन, तो आप प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और जैसे कि हमने लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में देखा है कि कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे, मतलब मैनुअल में हम जब काम करते हैं तो हमें हर चीज पता होती है। तो वही हमें यहाँ पे भी देखना है कि इसमें क्या चेंजेस है। जैसे कि लेथ और मिलिंग, लेथ मशीन है और सीएनसी मशीन है, ये 100% मतलब 90% तो पूरा सिमिलर है, मतलब वो मैकेनिकल है और ये सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटेड है, ठीक है। और वीएमसी मशीन मतलब मिलिंग मशीन है वहाँ पे, और ये दोनों का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। तो लेथ मशीन में क्या होता है कि आपका जॉब स्पिंडल में पकड़ा होता है, और वहाँ पे क्या होता है वो रोटरी मोशन करता है, मतलब स्पिंडल घूमने लगता है और आपका जॉब जो है वहाँ पे आके टच करता है जॉब, इसलिए मटेरियल कट होता है। वही प्रिंसिपल सीएनसी का भी है। और वीएमसी में अगर मिलिंग में देखते हैं तो मिलिंग में क्या होता है, एक टेबल होता है बेसिकली, ये टेबल है, ये यहाँ पे जॉब रखा होता है और टूल ऊपर से आके आपका टूल रोटरी मोशन में होता है यहाँ पे। तो ये दोनों में हम बेसिक डिफरेंस क्या, मतलब दो मशीन में अलग क्या है, एक मशीन में जॉब घूमता है आपका, दूसरे में टूल घूमता है।
तो आरपीएम कहाँ देना है, स्पीड कहाँ देना है, ये आपका वहां पे फैक्टर क्लियर होता है जब हम लेते मिलिंग मशीन देखते हैं। वही हमें सीएनसी और वीएमसी में भी वही चीजें आती है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने तीन चार मशीन दिया हुआ है, सीएनसी मशीन, वीएमसी, एचएमसी। आपने जो ये अभी ये कोर्स अगर यहाँ पे करते हैं आप प्रोग्रामिंग का, मतलब बेसिकली जो कोर्स है यहाँ पे ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है हम लोग। पहला होता है जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने दिया है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो रहता है ऑपरेटिंग ऑफ सीएनसी मशीन। तो ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें बताए थे हम लोग, तो ऑपरेटिंग में हम लोग बताते हैं कि कंट्रोल पैनल्स क्या क्या रहते हैं, मतलब वो मशीन को ऑपरेट कैसा करना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में क्या आता है, कंट्रोल पैनल आता है। फिर उसके बाद रहता है सेटिंग ऑफ मशीन, तो सेटिंग मतलब जॉ कैसे लगाना है, एटीसी कैसा सेट करना है, ऑफसेट्स कैसे लेने हैं, ये सब चीजें वहां पे आती है। उसके बाद रहता है प्रोग्रामिंग। तो उसी तरह यहाँ पे ये चार से पांच मशीन के नाम दिए हुए, सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी, वीटीएल और टर्नमिल। तो ये आप यहाँ पे अगर कोर्स करते हो तो ये चार या पांच मशीन का आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैड और कैम। अभी अपने सीएनसी और वीएमसी मशीन में कैड और कैम का क्या रोल होता है, मतलब कैड और कैम में अलग ब्रांचेस हो जाते हैं। मतलब कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग बनाना है आपको, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए आपको ड्रॉइंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो ड्रॉइंग किस चीज में निकलता है, या ड्रॉइंग जो बनाते हैं वो कंप्यूटर में बनाते हैं हम लोग। अभी पुरानी मेथड तो नहीं रही जैसे कि मैनुअली आप बना लो, अभी पूरे सॉफ्टवेयर बेस हो गया है। तो वैसे ही कैड में आपको ऑटोकैड है, केटिया है, यूजी है, सॉलिडेज है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसके मदद से आप क्या करते हैं, ड्रॉइंग बनाते हैं और वो ड्रॉइंग हम देख के प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कैड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसी का भी हम बेसिक नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कैम में भी, कैम मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि ये जो कोर्स हम यहाँ पे बता रहे हैं ये है 2 मंथ्स का कोर्स है बेसिकली सीएनसी और बीएमसी का, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ 2D प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। प्रोग्रामिंग में थ्री एक्सिस रहता है, मतलब 4 एक्सिस रहता है, हेलो। तो वहां पे हम लोग कैम का यूज करते हैं, मतलब कैम मतलब एक एक्चुअल प्रोसेस ऐसा है कि जो डिजाइन हम लोग लेते हैं जो आईजीएस फाइल में रहता है या स्टेप फाइल में रहता है, उसको हम कैम में इनपुट करते हैं। कैम भी बेसिकली सॉफ्टवेयर है, एग्जाम्पल के तौर पर डेल कैम है, मास्टर कैम है, वर्कएंसी है, अलग अलग कैम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब डिजाइन जब हमें आ गए एक टाइम, तो उस पर हम वहाँ पे कैम सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग बनाते हैं और वो प्रोग्रामिंग हम लोग मशीन को देते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग का, मैनुअल प्रोग्रामिंग का 2D का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, आपको वहां पे ऑपरेटिंग सेटिंग कोई नहीं बताएगा जब कैम आप कोर्स करोगे। तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये 2D का कोर्स है आपका, जो भी अभी मैं बता रहा हूँ सीएनसी और वीएमसी का 2 मंथ्स का ये बेसिक कोर्स है। इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सेटिंग और 2D प्रोग्रामिंग पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आपको 3D करना है तो वो भी है आगे, मतलब ये स्कोप है आपका कि आप कैड कैम में, मतलब डिजाइन जितने भी इंजीनियर्स रहेंगे या जो भी जिसको आगे बढ़ना है, 4-5 साल हो गए आपने काम कर रहे हैं वहां पे, तो फ्यूचर स्कोप क्या है आपका, तो आप कैड कैम में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके आगे है स्पेशल फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन। जैसे कि मैंने बताया कि लेथ मशीन और सीएनसी मशीन ये सिमिलर है, ठीक है, मगर सिमिलर होते हुए भी बहुत सारे डिफरेंस है। मतलब लेथ मशीन में हम लोग क्या करते, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे, इसलिए हमने सीएनसी बनाया। तो लेथ मशीन में क्या होता था कि जॉब जो बनते थे वो बहुत टाइम लगता था जॉब को, या स्किल लेबर ही चाहिए था हमें वहाँ पे काम करने, और जॉब की क्वांटिटी या रिजेक्शन रेट भी ज्यादा था। तो वो कम करके सीएनसी में अभी क्या क्या हो रहा है, तो सीएनसी में प्रोडक्शन रेट ज्यादा हो गया, रिजेक्शन कम हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आ गई। तो ये सब चीजें आने के पीछे क्या है, तो कुछ फीचर्स हैं, मतलब कुछ पार्ट्स मशीन के हमने चेंज किए हैं, मतलब सीएनसी बनाते टाइम उसने चेंज किए हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पे हम लोग एक इंट्रोडक्टरी बता रहे हैं। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये डिटेल में आपका जब भी कोर्स होगा तब वो 2 महीने में हम इन डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो जो मेजर पॉइंट्स है वो हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो स्पेशल फीचर्स में क्या होगा, टरेट हेड रहता है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे टरेट हेड है यहाँ पे। तो टरेट हेड क्या रहता है एक्चुअली, तो वो टूल होल्ड करने के लिए रहता है। सीएनसी में टूल आपको पकड़ना होता है ना, तो जैसे कि लेथ मशीन में टूल पोस्ट रहता है और यहाँ पे टरेट हेड रहता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब ज्यादातर 8 टूल लगाएंगे, इतने एक टरेट हेड रहता है, तो वहां पे नंबर ऑफ टूल्स लगाए होते हैं। टूल मैगजीन है यहाँ पे ऊपर,
तो टूल मैगजीन और टॉयलेट हेड सेम ही रहता है। और टूल मैगजीन किस चीज के लिए रहता है, तो वीएमसी के लिए ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स ज्यादा रहते हैं, 12, 24, 36, 64 ऐसे अलग अलग टूल्स वहाँ पे रहते हैं। तो दोनों का काम एक ही है, टू स्टोर द टूल, मगर ये इसमें टॉयलेट हेड नाम है, वहाँ पे टूल मैगजीन है। फिर साइड में है एटीसी भी दिया है उसके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एटीसी है। तो एटीसी क्या करता है, एटीसी जनरली वीएमसी और एचएमसी मशीन में रहता है। एटीसी का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे दिया है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो होता क्या है कि आपका स्पिंडल रहता है, जैसे मैंने बताया कि वीएमसी में स्पिंडल रहता है, ठीक है, तो वहां पे ये जो टूल मैगजीन है, यहाँ का टूल आपको स्पिंडल में लगाना है, तो ये बीच में यूनिट दिया रहता है, उसको ऑटोमेटिक टूल चेंजर कहा जाता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे चेंज है। उसके बाद रोटरी टेबल है, जैसे कि अभी सीएनसी और वीएमसी मशीन है, तो नंबर ऑफ एक्सिस भी ज्यादा रहते हैं। सीएनसी को मेजरली 2 एक्सिस रहते हैं, वीएमसी को कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 6 एक्सिस रहते हैं। तो वो जो 6 एक्सिस रहते हैं उसके लिए आपको रोटरी एक्सिस भी रहते हैं, मतलब लीनियर एक्सिस भी रहते हैं, रोटरी एक्सिस भी रहते हैं, तो वहाँ पे रोटरी टेबल भी लगा रहता है। और पीसीएमसी या कार्ड बोल के कार्ड रहता है, जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग बनाया है किसी दूसरी मशीन पे, आपने प्रोग्रामिंग बनाया है वो आपको मशीन पे, आपके मशीन पे देना है, तो वहाँ पे एक मेमोरी कार्ड जैसा चिप रहता है। पुरानी मशीन में ज्यादातर रहता था, अभी तो मान लो पेन ड्राइव वगैरह आप लगा के या वायर थ्रू भी लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो अभी के हाल के सीएनसी वीएमसी में चेंजेस किए गए। उसके बाद है ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मेजरली कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पे हम ड्राइंग पूरा आपको क्लियर करके बताते हैं कि ड्राइंग रीडिंग कैसा करना है, ड्राइंग के डायमेंशन, क्योंकि मेजरली कैसा है, सबसे पहला स्टेप यही है कि आप कितना भी प्रोग्रामिंग के कोड वगैरह रट लेंगे, मगर आपको अगर ड्राइंग समझ में नहीं आएगी तो आप प्रोग्रामिंग नहीं बना सकते, क्योंकि इनपुट पहले क्या होता है, ड्राइंग ही इनपुट रहता है। जब ड्राइंग आपके पास आएगा तब आप वहाँ पे टूल सिलेक्शन करेंगे, ऑफसेट लेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ड्राइंग भी बताते हैं कि कैसे रीड करना है, फिर क्या रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट, उसके भी 2 टाइप्स रहते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2 अलग टाइप से आप एक ही जो आपका प्रोग्रामिंग 2 अलग अलग मेथड से भी बना सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे राइट साइड को आप दिख रहा है, मतलब ये एक्चुअली प्लस माइनस सिस्टम रहता है, ठीक है। तो आपका जो भी टेबल है, वीएमसी का टेबल हो या सीएनसी का टेबल हो, वो एक फिक्स पोजीशन में आपने, मतलब मान लो वर्क 0 किया है हमने, अब ये एक वीएमसी का टेबल है, यहाँ पे 0 किया है हमने, क्योंकि कोई भी चीज, अगर लेथ मशीन भी लेते हो आप, पुरानी मशीन भी लेते हो, तो जब आपको मशीनिंग करना होता है तो आप जो टूल है, मैन्युअली जो टूल है, ये जो टूल है आपका, आपको यहाँ पे जॉब पे लाके टच करना होता है, ठीक है। तो टच करके यहाँ पे जो स्केल रहता है ना, वो हम 0 कर लेते हैं, क्यों, तो हमें वहां पे जब कट करेंगे हम, तो हमें रेफरेंस मिल जाता है कि कितना अंदर गया है जॉब, कितना टर्निंग हो गया है। तो सेम उसी तरह ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रहता है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके भी अलग अलग एग्जांपल वगैरह लेके हम बताते हैं। फिर बेसिक रहता है आपका ऑपरेटिंग ऑफ सीएनसी मशीन। ऑपरेटिंग में यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रोल्स दिए, फानुक कंट्रोल है, सीमेंस है, मजाक है। तो कंट्रोल मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी अलग अलग टाइप्स के मोबाइल है, जैसे उसका ऑपरेटिंग में चेंजेस रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल भी चेंज रहते हैं। प्रोग्रामिंग सभी का, मतलब 90% कंट्रोल भी, 90% आपका कंट्रोल पैनल भी सेम रहता है, प्रोग्रामिंग भी सेम रहता है। मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है कि फानुक का अलग होगा, मतलब मैक्सिमम तो नहीं रहता है, थोड़े बहुत साइकिल वगैरह चेंजेस रहते हैं, कंट्रोल पैनल में थोड़े बहुत 1-2 बटन इधर उधर रहते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो ये जो कंट्रोल पैनल है, ऑपरेटिंग में हम लोग क्या बताते हैं, ये पूरा जो कंट्रोल पैनल है, इसमें जो कीबोर्ड्स वगैरह दिए हैं, तो ये हर एक कीबोर्ड का आपको वहाँ पे नॉलेज मिलेगा। जैसे यहाँ पे साइड में लिखे हुए कुछ डिटेल, पोजिशन, प्रोग्राम, ऑफसेट, एटो, सिंगल ब्लॉक, तो ये हर एक चीज का यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसका फंक्शन क्या है, प्रैक्टिकल भी बताएंगे, इसके प्रैक्टिकल्स भी होंगे आपके, तो प्रैक्टिकल में भी हम लोग बताएंगे कि क्या चीज रहती। तो ऑपरेटिंग ऑफ सीएनसी में यही हम लोग बताते हैं कि नंबर ऑफ कंट्रोल्स कितने हैं, सीएनसी में क्या क्या बटन्स रहते हैं, वीएमसी में क्या क्या बटन्स रहते हैं, और आपको उसका यूटिलाइजेशन किस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद रहता है सेटिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि मैनुअल भी मशीन होगी, तो आपको जो आपके पास टूल लेके आना होगा, वहां पे उसको, उसका जो स्केल है वो 0 करना होगा। तो क्यों करेंगे, वो तो हमें पता चलना चाहिए कि मटेरियल कितना कट हुआ है, कितना नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे सीएनसी में भी या वीएमसी में भी ऑफसेट किया जाता है, तो उसको सेटिंग कहते हैं। ऑफसेट भी बहुत, मतलब इम्पोर्टेंट है सीएनसी में, क्योंकि जॉब हम जब मशीन पे सेटिंग करेंगे, इसको जनरली सेटिंग कहा जाता है, सीएनसी मशीन का सेटिंग करना। तो सेटिंग करने के भी
वहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑफसेट के भी तीन पार्ट्स थे वहाँ पे, ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट और वर्क ऑफसेट। तो बेसिकली ज्योमेट्री या सेटिंग ऑफसेट में ही ज्यादातर आपका टूल और जॉब का कॉन्टेक्ट किया जाता है मैनुअली। तो सेटिंग करते टाइम क्या करते हैं हम लोग, टूल को जॉब के पास लाते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया मैंने अभी, टूल को जॉब के पास लाते हैं, वहां पे टच करते हैं जेड एक्सिस को, और टच करने के बाद क्या होते हैं, टच करने के बाद उसका वैल्यू यहाँ पे इनपुट करते हैं। जैसे कि मान लो एक नंबर टूल है आपका, तो जेड का यहाँ पे 0 कर लेंगे, एक्स का उसका जो भी साइज है वो दे देंगे। सो दैट उससे क्या होगा कि आपका जो अभी टूल है वो जब प्रोग्राम प्रोग्राम भी बनाया होता है तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम वो काम करेगा, ठीक है। और प्रोग्राम में हमने उसी 0 को कंसिडर करके बनाया होता है, तो आपका प्रोग्राम भी बनाया हुआ है उसी 0 से, और आपने ऑफसेट भी सेटिंग भी उसी 0 से किया है, तब आपका प्रोग्राम बराबर आएगा। या फिर आपने प्रोग्राम किस अलग 0 पकड़ के, मतलब अलग एक पॉइंट पकड़ के बनाया है, और यहाँ पे सेटिंग करते टाइम अलग कर रहे हैं, तो ये भी नहीं मैच होगा। तो सेटिंग उतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट कि प्रोग्राम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग करना भी बहुत जरूरी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और तीन टाइप जैसे मैंने बताया कि अभी ज्योमेट्री ऑफसेट, सेटिंग ऑफसेट, ये मेन ऑफसेट होता है आपका। जैसे सीएनसी में 8 टूल हैं, आपको जितने ऑपरेशन के लिए अभी टूल लगने हैं उतने सब ऑफसेट टूल का आपको ऑफसेट वहां पे लेना होता है। रियर ऑफसेट में मान लो उसके नाम की तरह ही, अगर इंसर्ट आपका मान लो कंटिन्यूअस यूज में है और वो खराब हो जाता है मान लो, तो वहां पे हम उसका यूज, खराब होने के वजह से क्या होता है, जॉब में कुछ चेंजेस होते हैं, जॉब की साइज, ओवर साइज, अंडर साइज हो सकते हैं, तो उस टाइम में हम वहाँ पे उसको वैल्यू प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह ऑफसेट भी हम लोग वहाँ पे पूरे सीएनसी के और वीएमसी के अलग अलग रहते हैं ऑफसेट, वो भी हम वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। ये एक आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ कि क्या चीजें कवर होने वाली है और क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद होता है टूलिंग ऑफ सीएनसी मशीन्स। तो टूलिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपके पास मान लो ड्रॉइंग आ गई, आपको ड्रॉइंग आने के बाद आप क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ऑफसेट सेटिंग करते हैं, और इंसर्ट वगैरह टूल वगैरह कलेक्ट करते हैं, मतलब कौन से टूल से आपका काम होगा वो भी सेलेक्ट करते हैं। तो वो भी नॉलेज एज अ प्रोग्रामर आपको रहना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे देने का कोशिश करते हैं, मतलब वो एक मेन पार्ट ही हो जाता है मान लो। तो इंसर्ट, अब ये टूलिंग में इंसर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंसर्ट मतलब क्या होता है कि एक्चुअल कटिंग एलिमेंट रहता है वो, उसे टूल बोलते हैं हम लोग, इंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई इंसर्ट हमें लाना है मार्केट से, तो हमें उसका नॉमेनक्लेचर पता रहना चाहिए, मतलब कोई भी चीज हम अगर मार्केट से लाते हैं तो उसका सही नाम हमें पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंसर्ट के मैंने यहाँ पे फोटोज दिए, वो इंसर्ट की कुछ एक मीनिंग रहता है, कोड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे CNMG 120408 आपने अभी कभी देखा होगा, ऐसा इंसर्ट के बॉक्स के पीछे लिखा होता है, तो इसका भी मीनिंग आपको पता रहना चाहिए कि सी मतलब क्या होता है, सी होता है उसका इंसर्ट का शेप रहता है। तो यहाँ अलग अलग टाइप्स के इंसर्ट दिए हुए, वी का 35 डिग्री है, डी वाला 55 डिग्री है, टी वाला 60 डिग्री है, तो अलग अलग इंसर्ट। अभी इंसर्ट का कि ड्राइंग अगर जॉब के इंसर्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, वो भी बताएंगे कि अब आपने ड्राइंग देखना है आपको पहले, तो ड्राइंग में आपको कुछ अंडर कट्स वगैरह है या नॉर्मल ड्राइंग है, मटेरियल कितना कट करना है आपको, वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी। वो सब चीजें यहाँ पे सिलेक्शन के टाइम पे इम्पोर्टेंट होती है। तो एम क्या रहता है, एन रहता है क्लियरेंस एंगल, एम क्या रहता है टॉलरेंस क्लास, फिर 08 जो है एंडिंग वाला वो रहता है नोज रेडियस। तो ये सब चीजें वहाँ पे देखनी इम्पोर्टेंट रहती है एट द टाइम ऑफ इंसर्ट सिलेक्शन। और जैसे इंसर्ट सिलेक्शन होता है उसी तरह होल्डर सिलेक्शन भी रहता है, ठीक है। तो होल्डर सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टूलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपने कोड कुछ याद कर ली है और कोड याद करने से आप प्रोग्रामर बन गए, ऐसा नहीं रहता है। आपको ऑपरेटिंग भी आना चाहिए, आपको सेटिंग भी आना चाहिए, और आपको प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपकी कंबाइन रहेंगे तो ये आप उस मशीन को 100% वर्कआउट कर सकते हैं पूरे चीजें साथ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपके जी और एम कोड हो गया। फिर जी कोड क्या रहता है, मेजरली मेनली जी कोड आपका टूल और एक्सिस मूवमेंट के लिए ज्यादातर यूज होते हैं, टूल और एक्सिस का मूवमेंट जो भी रहता है मेनली उसे यूज होते हैं। और एम कोड रहता है तो अदर देन टूल और एक्सिस मूवमेंट, जैसे कि स्पिंडल ऑन ऑफ करना है, कूलेंट ऑन ऑफ करना है, तो वहां पे वो यूज होते हैं। ये एक शॉर्ट आउट की चीज है, मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन वगैरह बनाए। मान लो आप इंटरव्यू जाते तो पूछते हैं कौन से कोड रहते हैं, जी कोड मतलब क्या, एम कोड मतलब क्या, तो दो चार जी कोड भी वहाँ पे दिए हैं। G00 मतलब क्या है, रैपिड ट्रैवल रहता है, लीनियर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन, ये आपको फानुक के अलग रहते हैं, सीमेंस के अलग रहते हैं, ज्यादातर फानुक सीमेंस पे हम लोग फोकस करते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ रहता है तो वो भी हम वहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे।
हुए जी कोड वीएम कोड बिफोर प्रोग्रामिंग। अभी अब तक इसके पीछे तक जो देखा वो ऑपरेटिंग और सेटिंग हो गए। अब इसके आगे का पार्ट रहता है प्रोग्रामिंग का, तो उसके पहले हम प्रोग्राम कोड बताते हैं। मतलब एक्चुअली कोड होते क्या है, 0 0 0 मतलब क्या है, रैपिड ट्रैवल ये एक्चुअल होता क्या है, लीनियर कब यूज करना है इसका, या फिर नीचे यम कोड दिए हो, यम कोड का भी यूज आपको बताना होता है। तो यहाँ पे जी कोड भी आप जितने जी कोड है आपके डेली यूज में वो भी बताएंगे, यम कोड भी जितने हैं वो भी बताएंगे आपको। तो यहाँ जी और यम कोड में वो हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद फाइनली रहता है प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग बनाने के भी 3 से 4 स्टेप रहते हैं, मतलब 3 से 4 अलग अलग टाइप्स रहते हैं प्रोग्रामिंग। जैसे कि मान लो ये फान कंट्रोल का मैं प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, तो बेसिकली G00 और G01 से प्रोग्रामिंग होता है। कोई भी मशीन होने दो, ये G00 और G01 से प्रोग्रामिंग हर मशीन को होता है, ठीक है। मतलब आप कौन सी भी सीएनसी में यूज लो, G00 G01 से प्रोग्रामिंग आप वहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद होता है साइकिल स्टार्ट, मतलब फानुक कंट्रोल में G90 G92 का साइकिल रहता है, और फानुक में G70 G72 का भी साइकिल रहता है। सीमेंस का लेंगे तो साइकिल 95 साइकिल 97, ऐसा अलग अलग साइकिल रहता है। तो एक ही जॉब आप 3 अलग अलग टाइप से प्रोग्रामिंग कैसे बनाए वो भी हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक एक प्रोग्राम लिया हमने वहाँ पे टर्निंग का, इसका डायमीटर 80 60, मतलब स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम है यहाँ पे। उसका प्रोग्राम कैसे बनता है, तो यहाँ पे बेसिकली फानुक कंट्रोल है इसलिए ओ से स्टार्ट हुआ है, और एक 4 डिजिट नंबर दिया है मैंने वहाँ पे। जनरली वो ड्रॉइंग नंबर लेते हैं क्योंकि हमें वो याद भी रहना चाहिए, जैसे कि ड्रॉइंग आपके पास इनपुट रहता है तो ड्रॉइंग नंबर ही रहता है वहाँ पे जनरली। तो 1 2 3 4 और एंड ऑफ ब्लॉक का साइन दिया है यहाँ पे। उसके बाद N1 मतलब क्या रहता है, ब्लॉक सीक्वेंस नंबर रहता है, वो लाइन नंबर रहता है जनरली। वहाँ पे आप N1 N2 या N100 कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद बेसिक सेटिंग कोड्स रहते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके कंट्रोल पैनल पे। ये जो 3 से 4 लाइन है ना ऊपर वाले, ये कंट्रोल पैनल पे डिपेंड करते हैं। और उसके बाद नीचे जो है ये मेन प्रोग्राम रहता है आपका। ये 3 से 4 ब्लॉक ऊपर के सेटिंग ब्लॉक रहते हैं, जैसे कि G21 मतलब मैट्रिक इनपुट, आपका जो भी चीज जो भी XYZ की मूवमेंट होना वो मैट्रिक में MM में होना चाहिए, इसका कोड है। तो G99 मतलब आपका फीड का यूनिट है, तो हर एक चीज का यहाँ पे यूनिट वगैरह दिया हो रहता है, G97 है। उसके बाद G28 होमिंग का कोड दिया है, आपका टूल जहाँ पे भी वहाँ से होमिंग कर लेगा। फिर उसके बाद टूल नंबर दिया है T0101, टूल चेंज किया है, फिर RPM दिया है मशीन में, और फिर वहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ये जनरली अपना जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरह रहता है कि ये आपको सिर्फ एक डेमो लेक्चर, मतलब क्या क्या हम कवर करने वाले हैं उसके अंदर, क्या क्या बताने वाले हैं वो हमने बताने की कोशिश की है, ठीक है।